आचार्य जी, नमस्कार क्या प्रॉब्लम है? सर। मेरे को 1999 में एक्सीडेंट हुआ, अच्छा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। पूरा 6 महीने बेड रेस्ट में था। उसके बाद पूरा हरे हरे का ट्रीटमेंट दिया। ईश्वर में करा, सोईएसए में करा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, होम्योपैथी गया, आयुर्वेद गया। अच्छा। वहाँ से पहले वाकर था। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद वाकर जाने के बाद 5 साल से वाकर में चलता था। कुछ चिड़ी चलना नहीं आता। मेरा आदमी दो आदमी पकड़ता था वैसी पहले, दो आदमी पकड़ के लाना पकड़ के पड़ता था चलना था आपको। पहले। अच्छा। ऐसे 5 6 10 साल तक ऐसे ट्रीटमेंट लेते 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 सिंगल लकड़ी में आया डॉक्टर। वो होम्योपैथी डॉक्टर बताया, होम्योपैथी से उस पर थोड़ा कम हो गए अच्छा। तो सिंगल लकड़ी में आया। उसके बाद उतना ही से ज्यादा नहीं चलने नहीं आ रहा, मैं अकेले जाके आ रहा हूँ। फिर एक आदमी साथ रहना हमेशा, अच्छा। वैसा हालत में। फिर 2 साल के पहले हालत बहुत बिगड़ गया, ज्यादा हो गया, अच्छा, पहले जो था पहले से उससे जो भी था बिगड़ उससे गया। ज्यादा हो गया। भाई कुछ समझ में नहीं पहली बार, आया। पहली बार कब आए थे रजनीश, डॉक्टर रजनीश के पास? लास्ट मंथ अप्रैल अप्रैल में यूट्यूब में मैं देखा, अच्छा। देखे तो हमारा दोस्त बाबा साहब था। वो साहब उसका दरिया से वो फोन नंबर लेके, उनका फोन नंबर लेके मैं दिलसुख नगर आया। वो साहब देखा, रजनीश डॉक्टर रजनीश साहब भगवान है। वो साहब मेरे देखा, देखे उसी दिन मेरे को चक्करा चक्कर के थोड़ा एक्सरे लाओ बोले। मैं एक्सरे ला के दिया। अच्छा। उसके बाद अगले महीने जून से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ऐसा हुआ पहले उसी दिन जिस दिन देखने को आया था उस दिन थोड़ा दो पूरा मेरे बॉडी की एडजस्टमेंट ऐसा करे। एडजस्टमेंट करा। फिर जाके मैं अकेला कोई पर नहीं पकड़ी तो ऑटो चढ़ गया। वैसे हिम्मत आ गया, हमारे घर में भी बहुत खुशी हो गया। अच्छा। अरे ये कि एक ही बार उस दिन चक्कर के दिया थोड़ा बहुत खुशी हुआ। फिर जून कब आता कब आता कब आता, देखे देखे जून आने के बाद अभी तक आया। कितना सेटिंग हुआ आपका आज उधर? तक 10 सेटिंग हो गए। अच्छा। मेरे तो मेरे बॉडी का हिसाब से अभी तक मेरा ही दिल में अब बोल रहा बगैर है, लगड़ के उठ पा रहे हैं अभी? बगैर लगड़ के अल्लू चल रहा हूँ घर में, अच्छा। चल रहा हूँ घर में। ये 10 सिटिंग में हाँ आपसे कभी पैसा लिया गया है एक रुपये या नहीं लिया कोई मेरे। फोर्स नहीं किए हैं पैसा नहीं 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 पैसा मेरे से देने के लिए? पैसा नहीं लिया। मैं ही दे तूंगा जो साहब मेरे काम करो, मैं जो भी हाथ हुआ मैं दे दूंगा। नहीं नहीं तुम गरीब है, मैं ट्रीटमेंट तुम्हारा देगा तुम्हारा चलाऊंगा बोल के डॉक्टर साहब बताए। अच्छा। वो हिम्मत से डॉक्टर साहब इतना हिम्मत दिया बोल नहीं सकते। ये कब बोले थे आपको ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में? जो जून में बोले थे अच्छा। जो कि जब डॉक्टर साहब इधर आ रहा है, जब आ रहा हूँ मैं ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत खुशी हो रहा हूँ मैं ये ट्रीटमेंट से बहुत बहुत। ठीक है, वो जो बोले हैं करे हैं, हाँ आपको करे आपको चला रहे हैं अभी। चला रहा है मेरा कितना। मैं समझ रहा हूँ जिंदगी में भी मैं नहीं चल सकता हूँ, समझ गए। अच्छा। ऐसा मेरे को भगवान मिल गया समझो, बस कोई दूसरा बात ही नहीं है। डॉक्टर भगवान बोलते हैं, फिर सही भगवान मिल गया मेरे को, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा तकलीफ क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं कैसा था कैसा हुआ, मेरे को पूरा मालूम है। किसी को दूसरे को मालूम नहीं होता। मैं अकेले जा रहा हूँ, आ रहा हूँ ऑटो में, अकेले चढ़ के जा रहा हूँ, अकेले में आ रहा हूँ, साथ में कोई नहीं है। अभी अभी थोड़ा दर्द है बोल के मैं लकड़ी पकड़ के आ रहा हूँ। अच्छा। ये दर्द भी कम हो गया, राइट इंजेंट इसमें थोड़ा दर्द है। और उसका साथ डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अर्जुन साहब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया मेरा, ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा है। मैं आलू आराम से तकलीफ नहीं दे रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट दे के। आपके हाँ एज को कंसिडर करके वो ट्रीटमेंट कर मेरे भी रहे 60 साल हैं। है, 60 साल आदमी तो सब बेड पे है बोले। मैं बेड पे नहीं, अभी अच्छा, हम आपको डॉक्टर्स बोले कि बेड पे ही हाँ रहना बेड पे पड़ेगा? रेस्ट है, तुम काम नहीं कर सकता बोले। अच्छा। अभी ये डॉक्टर साहब के पास आने के बाद इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं जाके काम करूंगा, ऐसे हिम्मत आ गया मेरे, सच बोल रहा हूँ। अच्छा। और थोड़ा चले तो मैं कुछ काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नमस्ते संतोष जी, नमस्ते सर। कहाँ से यार? मलकाजगिरी है हाँ संतोष जी, क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरा प्रॉब्लम है जो सर, मैं 4 साल पहले गाड़ी पे जा रहा था, फिर पीछे गाड़ी आके ठोका था मेरे को, अच्छा। फिर मैं गिर गया था। फिर मेरे को डिस्क बल्ज हो गया, L4 L5 S1 का प्रॉब्लम आया था, अच्छा। वो MRI में पता चला था। फिर बाद में मैं जो निम्स को गया था उधर भी बोला नहीं ठीक हो जाएगा, फिर किम्स को गया उधर भी ठीक नहीं हो बोला, फिर अपोलो गया तो उन्होंने बोला मैं 90% गारंटी दे सकता हूँ, 10% गारंटी नहीं दे सकता हूँ। फिर बाद में ऑपरेशन होने के बाद भी
चांस कम बता रहे हैं, हम नहीं दे सकते बोल के बोला था। फिर मैं बाहर आ गया। अच्छा। फिर ऐसे ही मेरे को कोई मेरा दोस्त बोले तो मैं ऐसा लुधियाना में एक जाके ट्रीटमेंट लिया था। फिर बाद में इधर आने के बाद बड़ौदा में एक आदमी है बोले तो उधर भी गया था, उधर भी सिटिंग लिया था। फिर इधर आया था। फिर घर को आने के बाद मैं यूट्यूब में जब रजनीशकांत जी का देखा था पटना का, फिर मैं रजनीशकांत जी का अपॉइंटमेंट लिया था। लेने के बाद फिर आया, जब रजनीशकांत जी ने हैदराबाद आया, मैं उसका उसको मेरा MRI रिपोर्ट सारा लेके जाके बताया था। अच्छा। उन्होंने बोला, मैं बोला था सर को, सर ये मेरा व्यवस्था ऐसा है, मेरे को दो आदमी पकड़ के ले गया था आते टाइम पे। अच्छा। जो पहली बार आया था। फिर सर ने बोला पहले ट्रीटमेंट करवा लो बोला था। फिर मैं सर से पूछा, सर मेरे पास कितने सिटिंग बोले थे? सर ने पहले 3 सिटिंग बोला था। फिर सर को बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है सर बोले तो, सर ने बोला जरूरत नहीं, मैं फ्री ट्रीटमेंट कर दूंगा आपको, अच्छा कर दूंगा। फिर पहले 3 ट्रीटमेंट दिया था। फिर मैं बाद में जो सर को मिलने को आया, मैं अकेला आया था पैदल। तीन सिटिंग के बाद आप बगैर किसी के आ गए थे? बगैर किसी के आ गए। 60% रिलीफ हुआ था। फिर बस में ऑटो में मैं सीधा आ गया था। फिर बाद में 4 ट्रीटमेंट दिया, 4 सिटिंग दिया। फिर अभी कुछ भी नहीं है मेरे को। अच्छा। अभी 6 महीने के ज्यादा हो गया, मैं कुछ भी नहीं। सर मेरे पास 1 रुपए भी नहीं लिया। फिर सर को मिलने को अभी आके फिर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया सर। ओके, ठीक है। डॉक्टर रजीश साहब बहुत हिम्मत देके मेरे को बहुत एंकरेज करके मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मैं कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा ऐसा डॉक्टर का है बोलो। अच्छा। मेरे को इतना ट्रीटमेंट दिया, मेरे उससे पूरा बॉडी की पूरा ठीक करा और थोड़ा है और थोड़ा भी काम कर दिया तो मेरे सीधा पैदल मैं एक नहीं चल सकता हूँ। इतना है डॉक्टर साहब, जरूर बोला तुम आराम करो, मैं कर तुम जितना हुआ उतना कर तुम, कम हो जाएगा बोलते बोलते करते आ रहा है। मेरे भी वैसे कम हो रहा है सब। इसमें आप लोगों का पेशेंस भी था कि आप लोग कहीं से दूर दूर से आ रहे हैं, और इधर ट्रीटमेंट लेने के लिए लाइन में ठहर रहे हैं इतने लोगों के साथ, लाइन में ठहर रहा हूं और आपका वक्त आए सो जब वेट करके करवा ले रहे हैं। वेटिंग भी कर रहा हूँ, कभी कभी देखते अंदर बुला के ट्रीटमेंट देके भेजा रहे। अच्छा। वो वेट ज्यादा वेटिंग नहीं करने दे रहे मेरे, वो भी फ्री ट्रीटमेंट। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। ऐसे कंप्रेशन है इनका, L4, L5, H1, इतने मेजर कंप्रेशन, इतने मेजर। अब ये लोग सोचते हैं 2-3 सेटिंग में क्लियर हो जाए तो कैसे होना है? मेरी कोशिश है, मैं इन लोगों से बोलता हूँ थोड़ा अगर नहीं होने के बाद में भी मेरे से कंसल्ट करें, फिर जैसा होगा मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा। इतने कंप्रेशन कैसे ठीक होगा 2-3 सेटिंग में, इतने मेजर कंप्रेशन। ये इनका रिपोर्ट्स है, हम लोग अभी देख सकते हैं। मार्जिनल ऑस्टियोफ्रैक्चर फॉर लंबर वर्टीब्रा बॉडीज, बाकी कंप्रेशन देंगे का डिस्का डिफ्यूजन डिस्क बल्ज है L3 L4। ये सारा रिपोर्ट्स, इतना क्रिटिकल केसेस को हैंडल करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगना है ना इसमें। हेलो, इस टाइप के कंप्रेशन आते हैं हमारे पास, हम लोग भी देख सकते हैं ये कंप्रेशन लाइक L4 और 5, मोर देन 80-90% कंप्रेशन है। ऐसे केसेस में थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है, ये 2-4-5 क्या हो सकता है कि और ज़्यादा भी मिलना पड़े आपको, ठीक है ना।